हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आगे हमें फिर एक बार आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेके। तो इस वीडियो में हम डाउनलोड करेंगे एसक्यूएल सर्वर। तो हम गूगल क्रोम ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड, ठीक है, और एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद सबसे पहले वाला आपको लिंक दिखेगा, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का ये लिंक है, ऑफिशियल पेज, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप से पेज ओपन होके आएगा, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा नीचे, ये सामने एक पॉपअप आ रहा है, इसको आप बंद कर सकते हैं। तो मैं इसे बंद कर दूंगा और नीचे स्क्रॉल करूंगा। यहाँ आपको दिखेगा एक एक्सप्रेस है और एक डेवलपर है। तो आपको डेवलपर पे डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है और ये डाउनलोड पॉपअप होके आएगा, इसको स्टार्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। तो आपको यस नो परमिशन अगर पूछेगा तो आप इसको यस कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास कुछ इस टाइप से बॉक्स ओपन होके आएगा, आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है और ये गेटिंग थिंग्स रेडी करेगा। उसके बाद आपको ये तीन ऑप्शन देगा, बेसिक, कस्टम और डाउनलोड मीडिया। तो आप बेसिक को भी चूज़ कर सकते हैं, डाउनलोड मीडिया भी कर सकते हैं या कस्टम भी कर सकते हैं। तो मैं कस्टम पे क्लिक करूँगा। ये लोकेशन पूछेगा तो आपको लोकेशन यही रहने देना है। या साइज़ आप देख सकते हैं कितना फ्री स्पेस होना चाहिए और डाउनलोड का साइज़ 1426 MB है। तो मैं इंस्टॉल बटन पर क्लिक करूँगा और अब ये डाउनलोडिंग इंस्टॉल पैकेज करेगा और ये कुछ टाइम लगाएगा, आपको यहाँ पे वेट करना होगा। मेरा स्पीड है नेट थोड़ा सा, तो ये जल्दी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये डेवलपर एडिशन है और डाउनलोड सक्सेसफुल हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ लिख रहा है योर एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉलेशन विल बिगिन शॉर्टली। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है यहाँ पे और रिफ्रेश कर लीजिएगा एक बार। और यहाँ पे ये लिखेगा प्लीज़ वेट, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा वेट और करना होगा यहाँ पे, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है। उसके बाद आपके पास इस टाइप से एक बॉक्स ओपन होकर आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे जाना है इंस्टॉलेशन में, ठीक है। तो आप इंस्टॉलेशन में चले जाइएगा। अब आपको यहाँ पे दिखेगा न्यू एसक्यूएल सर्वर स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन, आपको इस पर क्लिक करना है और थोड़ा सा आपको वेट करना है यहाँ पे। अब आपके पास कुछ इस टाइप से बॉक्स ओपन होके आएगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, स्पेसिफाई या फ्री एडिशन, जिसमें डेवलपर इवेल्यूएशन ये सब है। आपको इसको चेंज नहीं करना है, डेवलपर ही रहने देना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको इस टाइप से एक पेज दिखेगा, यहाँ पे लाइसेंस एग्रीमेंट है। तो ये बहुत लंबा लिखा हुआ है, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा और मुझे भी बताइएगा इसमें क्या लिखा था। तो मैं यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे टिक करूँगा और नेक्स्ट पे वापस क्लिक करूँगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब आपके पास यहाँ पे आएगा रूल चेक इन प्रोग्रेस, आप इसको होने दीजिएगा। और यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा, आपको इसको भी टिक कर देना है क्योंकि ये रिकमेंडेड है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये ऑप्शन चेक कर रहा है। यहाँ देख सकते हैं पहला कंप्लीटेड है, दो स्किप है और यहाँ नॉट स्टार्टेड है। अब यहाँ पे इन प्रोग्रेस हो गया, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली सब कुछ करेगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पे इंस्टॉल रूल्स लिख के आ रहा है, ये सब पास है। यहाँ एक वार्निंग दे रहा है विंडोज़ फायरवॉल का, आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा चीज़ आपको बता रहा है। इसमें से आपको जो जो कंपोनेंट चाहिए आपको उसको टिक करना है। तो मुझे अभी फिलहाल तो सारा कंपोनेंट इंस्टॉल करना है, तो मैं सेलेक्ट ऑल करूँगा और उसके बाद यहाँ पे स्पेस वगैरह बताएगा, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। और ये प्लीज़ वेट लिख रहा है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा टाइम लेता है यहाँ पे प्रोसेसिंग में, तो मैं वीडियो को थोड़ा स्किप करूँगा। और यहाँ पे ये आएगा, इसमें आपसे पूछेगा डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस या नेम्ड इंस्टेंस। तो यहाँ पे इंस्टेंस आईडी लिखा हुआ है, मैं नेम्ड इंस्टेंस पे क्लिक करूँगा और ये इंस्टेंस आईडी को ही मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट भी आप इसको छोड़ सकते हैं पर मैं यहाँ पे नेम्ड इंस्टेंस करूँगा और इस वाले को मैं कॉपी कर लूँगा, सिलेक्ट ऑल करूँगा, पहले कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे आके क्लिक करके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। कॉपी पेस्ट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके आगे अपना नाम भी लिख देता हूँ। तो मैं लिखूँगा RISH रिश, ठीक है। तो मैं रिश लिख दिया, अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये प्लीज़ वेट फिर से लिखेगा, कुछ टाइम लेगा हमारा। और कुछ टाइम लेने के बाद यहाँ पे एक बॉक्स आएगा, देख सकते हैं ये यहाँ पे दो ऑप्शन फिर से पूछा, यूज़ दिस एसक्यूएल सर्वर एज स्टैंड अलोन पॉली बेस इनेबल्ड इंस्टेंस या फिर ये सेकंड वाला। तो आपको फर्स्ट वाला ही रहने देना है, कुछ चेंज नहीं करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इंस्टॉल ओपन JRE करना है और या फिर प्रोवाइड करिए लोकेशन जहाँ पे इंस्टॉल है। तो मैं इंस्टॉल पे ही क्लिक करता हूँ, कुछ चेंज नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे अगर नहीं होगा तो मेरा ये इंस्टॉल कर देगा। तो ये ऑप्शंस आए हैं यहाँ पे, सब कुछ ऑटोमेटिक मैनुअल सब सेलेक्ट किया हुआ है। आपको यहाँ पे बस जाना है नीचे, ये ग्रांट परफॉर्म है, इसको टिक कर देना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे फिर से क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके इस टाइप से बॉक्स आएगा यहाँ पे फिर से और ये बोलेगा विंडोज़ ऑथेंटिकेशन मोड या फिर मिक्स्ड मोड। तो मैं मिक्स्ड मोड को क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक पासवर्ड बना लूँगा। तो पासवर्ड आपको याद होना चाहिए, जो भी पासवर्ड आप दीजिए। तो मैं सिंपल सा दे दूँगा यहाँ पे 1 2 से 3 4 5 6 7 8
यहाँ भी इसको कंफर्म कर दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8। और अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। ये कुछ एरर दे रहा है, तो एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हम यूज़र को ऐड नहीं किए हैं। तो हम ऐड करेंट यूज़र पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक मिनिमम यूज़र आपको ऐड करना ही होगा, तो मैं ऐड करेंट यूज़र पे क्लिक करता हूँ। तो ये यूज़र ऐड हो जाएगा, देख सकते हैं हो गया मेरा लैपटॉप ऐड। अब यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा। फिर से पूछ रहा है टेबुलर मोड, पावर पिवट मोड या फिर ये मल्टी डायमेंशनल, तो टेबुलर ही रहने देंगे। फिर से एरर दिया, फिर से हम क्योंकि करंट यूज़र को ऐड नहीं किया, तो हम ऐड करंट यूज़र पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे ऐड हो गया हमारा यूज़र। फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये कुछ पोर्ट नंबर वगैरह बता रहा है, और यहाँ पे लिख रहा है क्रिएट अ न्यू SSL सर्टिफिकेट, तो ये सब रहेगा, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद फिर से हम नेक्स्ट करेंगे, फिर से यहाँ पे ऐड करंट यूज़र करेंगे। और उसके बाद जब यूज़र ऐड हो जाएगा तो हम वापस से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब ये कंट्रोलर नेम वगैरह पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको कुछ लिखना नहीं है, बस यहाँ पे अपना नाम लिख देना है सिंपल सा। तो मैं ऋषभ लिख के नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो हमारा कुछ ही स्टेप बाकी है, फिर से आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, और फिर से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है जब ये प्लीज़ वेट ख़त्म हो जाए। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, और आप देख सकते हैं ये रन चेक इन प्रोग्रेस कर रहा था, और ये अपने आप चेंज हो गया। अब ये समरी वगैरह बता रहा है आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। अब हमारा इंस्टॉलेशन शुरू हो गया। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें आपको आधा से एक घंटा लगेगा, मैं इस वीडियो को स्किप कर दिया हूँ, तो मेरा हो गया जल्दी से। अब यहाँ पे लिख रहा है प्लीज़ वेट वाइल माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर 2019 सेटअप प्रोसेसेस द करेंट ऑपरेशन। तो देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ सक्सीडेड है, तो हम देखेंगे कि क्या हमारा हो रहा है। ये प्लीज़ वेट ही अभी लिख रहा है, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे। ये देख सकते हैं पॉपअप चला गया, तो हमारा सब कुछ सक्सीडेड है, तो हम क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बार सब कुछ सक्सीडेड है या नहीं, सब में ग्रीन टिक लग चुका है, तो हम क्लोज़ बटन पे क्लिक करेंगे। तो हमारा SQL सर्वर इंस्टॉल हो गया। अब हमें एक और चीज़ डाउनलोड करना है, यहाँ पे हमें जाना है इसमें, और यहाँ पे SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो आता है SSMS, आपको इसको भी डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये एडिटर होता है, इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये 600 कुछ MB का आपको स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करके इसको भी डाउनलोड कर लेना है। तो आज का वीडियो बस मेरा इतना ही तक था, ये एडिटर डाउनलोड करके आप इसको यूज़ करें और बताएं मुझे भी कि आपको कैसा लगा। तो आप रीस्टार्ट करिएगा तो ये भी इंस्टॉल हो जाएगा अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरा और वीडियोस भी देख सकते हैं वॉचमोड पे क्लिक करके, और इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।